हाल ही में मेकर्स ने पारस कलनावत को सीरियल अनुपमा से बाहर कर दिया था, जिसके बाद से ही पारस कलनावत सीरियल अनुपमा के मेकर्स पर आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में पारस कलनावत ने बताया था कि सेट पर उनके खिलाफ गलत बातें की जाती थी। बातों बातों में पारस कलनावत ने रूपाली गांगुली का नाम भी लिया था। इसी बीच पारस कलनावत ने रूपाली गांगुली और अनुपमा की बाकी टीम को लेकर चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। पारस कलनावत ने बताया है कि रूपाली गांगुली की वजह से पारस कलनावत को अनुपमा से बाहर किया गया है। स्पोर्ट बॉय को दिए एक इंटरव्यू में पारस कलनावत ने बताया, ये बात सच है कि एक समय में मेरी रूपाली गांगुली से बहुत बनती थी। ये बात भी सच है कि टीवी और असल जिंदगी में अंतर होता है। जरूरी नहीं है जो रिश्ता टीवी पर दिख रहा है असल में भी वो इतना खूबसूरत हो। हो सकता है जो निगेटिव किरदार निभा रहे हों वो असल जिंदगी में बहुत अच्छे हों। आगे पारस कलनावत ने कहा, मेरी और रूपाली गांगुली का रिश्ता बन नहीं पाया, लेकिन मुझे किसी भी बात का अफसोस नहीं है। मुझे अब बुरा नहीं लगता। मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ। मैं अपनी जगह खुश हूँ। मेरे साथ अनुपमा के सेट पर बहुत बार गलत हुआ है। लोगों के खिलाफ किसी ने एक्शन नहीं लिया। यह बात जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। कोई एक इंसान भी मेरे साथ नहीं था। इस बयान के जरिए पारस कलनावत ने रूपाली गांगुली के साथ साथ पूरी टीम पर निशाना साधा है। पारस कलनावत ने यह बात साफ कर दिया है कि अनुपमा की टीम में उनके साथ काफ़ी गलत किया जा रहा था। फैंस कयास लगा रहे हैं कि पारस कलनावत को निकलवाने के पीछे रूपाली गांगुली का हाथ है। इस बयान ने पारस कलनावत के फैंस का खून खौला दिया है। आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।